येर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन द कोर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग दिस इज मॉड्यूल नंबर टू थ्री एट एंड द टॉपिक अंडर डिस्कशन इज एनाइजिंग एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इससे हम एक पूरे फिनमिना को समझ पाते हैं कि उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं उसकी डिटेल क्या है और फिर उसके मुताबिक हमारी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है जब हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो दैट इज टेकन अप एज अड फंक्शन और उसके अंदर कुछ अहम चीजें शामिल हैं जिनके जिनको समझना हमारे लिए जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड एनालाइज इट इज सेड कि द वर्ड एनालाइज इज एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ब मीनिंग टू लूजन जिसका मतलब क्या होगा कि हम एक बड़ी चीज को पार्ट्स में ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं लाइक इट इज सेड कि इट मीन सेपरेटिंग अ होल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स So, एक मुस्तकिल चीज को एक बड़े फिनोमेना को आप बिट्स एंड बाइट्स में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो दैट मींस यू आर ट्राइंग टू एनालाइज दैट थिंग फॉर योर ओन कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन सो एनालिटिकल थिंकिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग Because step by step may obviously up total phenomena, ko different steps may break up karke to understand. Karne ki koshish karte ho. So, what actually you are doing? You are trying to analyze a logical development of something. So, analyzing ke andar yaad rakhega, there are two important things to discuss. The first one is deductive approach, and the other one is inductive approach. It is said that logic has two main parts: deduction and induction. प्रोसेस ऑफ इन्फरिंग और वेरीफाइंग जर्नल लॉ और प्रिंसिपल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेज और इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेज के होने से फिर हम चीजों को समझ पाते हैं एनालाइज कर पाते हैं कि हाउ दैट थिंग एक्चुअली हैज टेकन प्लेस एंड व्हाट आर द डिटेल्स, व्हाट आर द एसोसिएटेड वी हैव टू अंडरस्टैंड सो दैट हम चीजों को एनालाइज करते हुए अपनी परसेप्शन को पॉलिश वो कर सकें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में डिडक्शन एंड इंडक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट और डिफरेंट सिचुएशंस में हमें इनको मुख्तलिफ तरीकों से यूज वो करना पड़ सकता है बिकॉज समटाइम्स डिडक्शन वुड वर्क एंड द अदर टाइम्स इंडक्शन मेथड इज मोर एप्लीकेबल मोर अप्रोप्रिएट टू गेट द एनालिस इन ए राइटफुल मैनर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हम माइंड फंक्शन की बात करते हैं तो अनैलिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पर हम एक पूरी सिचुएशन को समझने के लिए उसको ब्रेक्स में कन्वर्ट करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर लेकर आते हैं उसको हम स्मॉल चंक्स में अंडरस्टैंड करते हैं ताकि द होल पिक्चर द होल सिचुएशन द होल एस्पेक्ट कैन बी अंडरस्टूड इजीली थैंक यू